हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहां पर हाउ टू ज्वाइन फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय जॉब, या फिर हम कह सकते हैं फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय हम कैसे बने, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा डिलीवरी बॉय की जो जॉब होती है वो आसान नहीं होती है, इसीलिए जो फ्लिपकार्ट कंपनी वो अपने डिलीवरी बॉय को अच्छी सैलरी भी देती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहां पर कि जॉब में आपको क्या करना पड़ता है, साथ ही साथ यहां पर कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय जॉब के लिए हम कैसे अप्लाई करें, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो ला रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो एक डिलीवरी बॉय होता है उसको जो है पर डे 50 से 100 पैकेज दिए जाते हैं डिलीवर करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पर जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे कुछ एरिया आपको बताए जाते हैं जो आपको वहां से चूज करना होता है, ठीक है। आपको प्रेफरेंस अपना देना होता है कि हम इस एरिया में जॉब करेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए एरिया सही है। तो वहां पर एक प्रेफरेंस भी आपको दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है कि आप बता सकें कि आपके लिए कौन सा एरिया जो है बेस्ट है, जहां पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। आपको 15 से 20 किलोमीटर का एक एरिया दिया जाता है, उसके अंदर अपने आपको जो है जो आपको पैकेज दिए जाते हैं वो उसी एरिया के अंदर के होते हैं, वहीं पर आपको अपने पैकेज को डिलीवर करना होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस जॉब के लिए आपके पास स्कूटी या फिर बाइक होना चाहिए, उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए, साथ ही साथ RC होना चाहिए और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास खुद का अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम डिलीवरी बॉय जॉब के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी टाइमिंग क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अलग अलग जो सिटीज होती हैं वहां पर ड्यूटी का थोड़ा सा टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ एक नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो ड्यूटी का टाइमिंग होता है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक होता है, ठीक है। इसमें 2 शिफ्टें भी होती हैं, जो आपकी सुबह 6 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगी, 2:30 बजे के बाद फिर आपकी सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो 8 बजे का टाइम है वो 8:30 या 9 बजे तक का भी आपका कहीं कहीं पर हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैकेज डिलीवरी, अगर आपके पास पैकेज ज्यादा है तो आपको थोड़ा ज्यादा भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है। जो आपका नॉर्मली टाइम होता है वो सुबह 6 से रात को 8 बजे तक का होता है। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके पास जो पैकेज होंगे पैकेज के ऊपर जो पता लिखा होगा, ठीक है, जो एड्रेस होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना आसानी से आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक स्मार्टफोन में मोबाइल के अंदर जो एक ऐप दी जाएगी, ठीक है, वो कंपनी की ऐप होगी, उसको आपको चलाना भी आना चाहिए। आप चला उसी तरीके से पाएंगे जब आपको उसकी अच्छी नॉलेज होगी, आपको इंग्लिश और हिंदी का अच्छा ज्ञान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी आपको अच्छे से आना चाहिए, साथ ही साथ कस्टमर से बात कैसे की जाती वो भी आपको आना चाहिए, कस्टमर सर्विस की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपके जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए, साथ ही साथ अगर आपने 12th किया है तो वो और भी ज्यादा आपके लिए प्रेफरेंस रहेगा। यहाँ पर आपके पास कम से कम हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर जो आपकी स्कूटी है या फिर बाइक है उसका जो है आपके पास RC होना चाहिए, ठीक है। RC के बाद में इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन सबकी आपको यहाँ पर जरूरत पड़े। यहाँ पर डिलीवरी बॉय जॉब के लिए जो आवेदन कर रहा है उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास बैंक डिटेल के लिए पैन की पासबुक भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक स्मार्टफोन भी होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेनिंग, हमें यहाँ पर जब जॉब के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। उस ट्रेनिंग का टाइमिंग जो है जैसे कि कहीं कहीं पर 1 दिन हो सकती है, कहीं कहीं पर 2 दिन की हो सकती है, कहीं कहीं पर थोड़ा कम भी हो सकती है, तो वो अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग टाइप की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो आपको जो डिलीवरी करनी है उसके रिगार्डिंग जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में आपको बताया जाता है, साथ ही साथ आपको वो जो ऐप होती है डिलीवरी बॉय की जो ऐप होती है उसको चलाना भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। हम यहाँ पे बात करते हैं बैग एंड ड्रेस। आपने देखा होगा जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनके पीछे जो है ना एक बड़ा सा बैग होता है, ठीक है, साथ ही साथ वो अच्छी ड्रेस पहने होते हैं, ठीक है, कंपनी की ड्रेस पहने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो बैग होता है और जो ड्रेस होती है वो कंपनी आपको देती है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिल जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सैलरी एंड इंसेंटिव, यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलती है वो आपको अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो यहाँ पर आपको 10 से 15 हज़ार रुपए आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम इंसेंटिव की बात करें तो आपको पर पैकेज इंसेंटिव भी मिलता है।
तो वो इंसेंटिव की जो पैसा होता है, ठीक है, जो इंसेंटिव होता है वो आपको अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको जो नॉर्मली बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, 14 से 17 रुपए तक आसानी से आपको यहाँ पर पैकेज इंसेंटिव मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो जॉब होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है सैलरी बेस्ड जॉब, एक होती है कमीशन बेस्ड जॉब। अगर आप सैलरी बेस्ड जॉब करते तो आपको सैलरी मिलती है, अगर आप कमीशन बेस्ड जॉब करते तो आपको पर पैकेज के हिसाब से कमीशन मिल जाता है। जितना ज्यादा आप पैकेज डिलीवर करेंगे उतनी ज्यादा आप यहाँ पर कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जॉब होती है वो दो टाइप की होती है, पहली होती है सैलरी वाली जॉब, दूसरी होती है कमीशन वाली जॉब। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में किस टाइप की वैकेंसी खाली है, आप जिस टाइप की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर मान लीजिए कमीशन वाली जॉब खाली है तो आपको कमीशन वाली जॉब करनी पड़ेगी, अगर वहां पे सैलरी वाली जॉब खाली तो आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। सैलरी में आपको 10 से 15 हज़ार रुपए आसानी से मिल जाते हैं, और पैकेज में जो आपका कमीशन होता है उसमें आपको 14 से 17 रुपए पर पैकेज के हिसाब से कमीशन मिल जाता है। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, हम डिलीवरी बॉय जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिलीवरी बॉय जॉब के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको यह करना है, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाना, वहां पर आपको कैरियर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस कैरियर के ऑप्शन में आपको डिटेल अपनी सबमिट कर देनी है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पर आपको जॉब मिलने के ज्यादा चांस रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑफलाइन में जो डिलीवरी का जो ऑफिस होता है, ठीक है, फ्लिपकार्ट डिलीवरी का जो ऑफिस है वहां पर आप जाके इसके लिए बात कर सकते हैं। अगर आपको वहां का एड्रेस नहीं मिला तो आप गूगल मैप के ऊपर जाके सर्च भी कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट डिलीवरी नियर मी ऑफिस, तो वहां पर आपको जो ऑफिस होगा नियरेस्ट वो आपको वहां पे सर्च में आ जाएगा, उसके ऊपर आप एड्रेस देके वहां पर जा सकते हैं। वहां पर आप जाके बात कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई वैकेंसी है, अगर वहां पर वैकेंसी होगी तो वो आपका वहां पर इंटरव्यू ले लेंगे और यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तरीके से जो है आप फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कस्टमर पेमेंट, कस्टमर किस टाइप से पेमेंट करता है, कौन कौन से ऑप्शन चूज करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कस्टमर यहाँ पर सीओडी का ऑप्शन चूज करता है या फिर नेट बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ पर चूज करता है। अगर कस्टमर ने नेट बैंकिंग का यूज किया तो कस्टमर यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू वहीं पर आपका जो है वेबसाइट पर पेमेंट कर देता है, फिर आपको वहां पर पैकेज डिलीवर करना होता है। लेकिन अगर कस्टमर ने यहाँ पर सीओडी का ऑप्शन चूज किया तो फिर आपको जो है कस्टमर के पास जाके कैश ऑन डिलीवरी करनी होती है। तो कस्टमर के पास आप पैकेज लेके जाते हैं, फिर कस्टमर आपको कैश में पेमेंट वहां पे करता है, फिर उस पेमेंट को लेके आपको पैसे को लेके अपने ऑफिस के ऊपर जमा भी करना होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस जॉब के अंदर आपको अच्छी सैलरी तो मिलती है, साथ में आपके करियर के ग्रोथ के भी चांस रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर यही कुछ जानकारी थी जो डिलीवरी बॉय बनने के लिए आपके लिए हेल्प कर सकती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैंने यहाँ पर जानकारी दी वो कुछ पॉइंट थे, सकता है आपके सिटी में थोड़ा सा चेंज हो, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इसी तरीके की जितने हम वीडियो ला रहे हैं सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।